विश्व विख्यात कालीन नगरी कोरोना महामारी के चलते पिछड़ता जा रहा है। जबकि कालीन उद्योग से जुड़े लाखों श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए सरकार को उद्योग के विषय में सोचना चाहिए। नगर के युवा कालीन निर्यातक आनंद मौर्य ने SS न्यूज से वार्ता के दौरान उद्योग से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा किया। युवा निर्यातक ने कहा कि यह वर्ष कालीन उद्योग ही नहीं सभी उद्योग के लिए संकटों से भरा रहा है। कालीन उद्योग को नया ऑर्डर भी नहीं है जबकि पुराना ऑर्डर स्थगित कर दिया गया है। अब लॉकडाउन समाप्त हो तो सरकार कालीन उद्योग के बारे में गंभीरता से विचार करे। आए युवा निर्यातक ने क्या कहा, हम आपको सीधे दिखाते हैं। पत्रकार शमशुद्दीन मुन्ना व युवा निर्यातक आनंद मौर्य के बीच खास वार्ता आप देख रहे हैं SS न्यूज। लगातार खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार आदाब, मैं समस्वासी SS न्यूज से। लॉकडाउन के बाद जिस तरह से सरकार द्वारा निर्यातकों को काम करने की छूट दी गई है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद निर्यातकों के लिए, लॉकडाउन खत्म तो नहीं हुआ है लेकिन काम के लिए कुछ छूट दी गई है, तो आज इस वक्त हम खड़े हैं भरत मौर्य जी के यहाँ और उनके साथ ज्यादा आनंद जी हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही हम लोगों को ये रिक्वेस्ट किया या अपील किया कि सबसे पहले आप सैनिटाइजर और मास्क देने के लिए उन्होंने एक हम अपील किया है, तो मैं उनसे श्रद्धा पूर्वक प्रेम से ये लेने जा रहा हूँ। ये देखिए आनंद साहब है, इन्होंने हमारी टीम को, न्यूज टीम को सैनिटाइजर और मास्क दिया है कि हम खुद सैनिटाइजर भी लगाए और मास्क भी लगाए। कैसा आनंद जी, जैसे जिस तरह से ये अभी लॉकडाउन चल रहा है और सरकार द्वारा कुछ छूट दी गई, तो क्या आपके यहाँ मजदूर वगैरह कुछ काम करने के लिए आ रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ कुछ मजदूर आ रहे हैं काम करने के लिए, जिससे जो परेशान है खाने के लिए बोल रहे हैं कुछ काम दे दीजिए, हम काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, तो 10-15 आदमी हमारे यहाँ आके काम कर रहे हैं। आनंद जी, अगर राहत की बात किया जाए तो जिसे जिस तरह से अभी शुरुआत ही है, तो क्या लगता है कि जहाँ जो काम आप लोग अपने बायर्स को कारपेट भेजते थे, क्या वहाँ से कुछ उम्मीद जगी है आप लोगों को? अभी तक तो वहाँ पे लॉकडाउन है, अभी हमें लगता है 10-15 दिन बाद खुलेगा, जब खुलेगा तब बातचीत होगी। अभी तो अपने वेयर हाउस या शोरूम पे तो जा नहीं रहे हैं, जब जाएंगे तो फिर बातचीत होगी, अभी तो अपने घर पे ही है। आनंद जी, जैसे देखा जा रहा है कि तमाम लॉकडाउन के बाद तमाम पेमेंट वगैरह रुक गया है, तो किस तरह से आप लोग, जिसे आपके पास वीवर्स भी है काम करने वाले, लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ लोगों ने गलीचा भी आपके आने पर, तो कैसे आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, कैसे पेमेंट वगैरह कर पा रहे हैं, क्या उनको मना कर रहे हैं या फिर लॉकडाउन के बाद पेमेंट करेंगे या किसी तरीके से उनको सर्वाइव कर रहे हैं? नहीं, जो हमारे से जो कालीन बुनाई होके सेंटर पड़े रहते हैं उसको हमने मंगा लिया, उसका हमने उनको पेमेंट दे दिया है, लेकिन अब हमारे पास नया नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम नया उनको क्या दे बनाने के लिए, नया ऑर्डर क्या दे, क्योंकि ऑर्डर तो आ नहीं रहा है और जो कुछ था वो भी कैंसिल हो गया है। क्या इंडस्ट्री के लिए ये क्या बुरा वक्त माना जाए? हाँ, इसमें बुरा वक्त ही माना जाएगा। क्या लगता है कि भगवान करे और अल्लाह करे कि जल्द से जल्द ये कालीन, हम तो उम्मीद यही करते हैं भाई, ऊपर वाला करे भाई, जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म हो, ये महामारी खत्म हो और सब काम जैसे चलता था वैसा चलता। आनंद जी, जैसे कि अभी चूंकि आप लोगों का ज्यादातर काम बाहर होता है, तो क्या जो सरकार ने छूट दिया था, क्या आपका कारपेट आने वगैरह में कोई सरकारी सुविधा है या फिर दिक्कत कोई? नहीं, सरकार ने तो अभी, हमें नहीं लगता कि कारपेट इंडस्ट्री के लिए कोई छूट दिया है। छूट मिला है से जो व्हीकल वगैरह है उसका पास उन्होंने जारी किया है जी, खोल के काम आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा, उन्होंने भाई इंडस्ट्री ओपन करने के लिए छूट दिया है भाई, 10-15 आदमी या 30% बुला के आप काम करा सकते हैं, दो शिफ्ट में काम कराइए, लेकिन दो शिफ्ट में पॉसिबल नहीं है कि भाई हम सुबह 6 बजे आदमी को बुला लें या फिर कितने बजे तक छोड़ें, सेकेंड शिफ्ट कितने बजे छोड़ें, वो 7-8 बज जाएगा, धीरे कुछ दिखाई नहीं देगा, तो ये दिक्कतें आ रही है, ये सब दिक्कतें आ रही है। तो आने वाले वक्त में लगता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे, महीने दो महीने लग जाएगा ये काम पटरी पे आने पे। अभी आपने देखा कि आनंद साहब ने बहुत बेबाकी से कहा कि देखिए, चूंकि जो काम हमारा बाहर होता था उन्होंने तो बिल्कुल ब्रेक लगा दिया पेमेंट से लेकर सब कुछ, लेकिन हमारे जो लोकल वीवर्स या कॉन्ट्रेक्टर है उनको मैंने पेमेंट कर दिया है, लेकिन अब यह है कि गाड़ी आगे चलना बड़ा मुश्किल है, तो ये भगवान से दुआ करते हैं, हम लोग भी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी से निजात मिले और सारी चीजों पटरी पे आए। कैमरा पर्सन अरशद के साथ शमशुद्दीन वारसी SS।